मोहनदास। कहाँ से हुआ? सागर से। बीच में आपने ईसाई धर्म क्यों ले धारण कर लिया था? जी कर लिया था। क्यों किया? पिंडो बन गया। कारण का है अपनी स्थिति, घर की गड़बड़ थी, लेकिन उन लोगों ने जो किया वो वादा पूरे नहीं किया अपन, इसलिए। और फिर एक साल से यहाँ जुड़े तो आस्था अपनी इनमें जाके इनकी वचन सुने। क्या वादा किया था उन लोगों ने? मकान अटकान का दिया था, पट्टा मकान दे गए। दिया? नहीं नहीं दिया। नहीं कोई पैसे दिए? नहीं कुछ नहीं दिया। अच्छा जी। तो आप लालच में आके गए थे? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब लेकिन अपने जब आस्था जागी बात खत्म हो गई। कब ईसाई बने थे आप? ढाई तीन साल पहले। ढाई तीन साल पहले। अच्छा, आप अकेले थे? आपके मोहल्ले के जान पहचान के और भी लोग ईसाई बने थे? हम दो जने, एक हमारे जान पहचान के थे, वो थे। अच्छा जी। सबको यही कहा था मकान का? हाँ सबको। अच्छा, क्या करवाते थे फिर? चर्च वर्च जाते थे आप? चर्च भी जाते थे और वो अपने जो धर्म के बातें बताते थे। जी। अच्छा, क्या क्या करवाया था ईसाई धर्म में आने के लिए उन्होंने? बस एक तालाब में डुबकी उबकी लगवाई थी और बस। अच्छा जी। और चर्च में क्या करते थे आप लोग? चर्च में कुछ नहीं, प्रार्थना के लिए जाते थे बस। कब जाते थे? शाम को। रोज शाम को? हाँ डेली बता, डेली बुलाते थे। अच्छा जी। आपने बोला उनसे कि मकान चाहिए? क्या बोला? नहीं, पहले बोला एक दो दफे, फिर जहाँ उन्होंने नहीं सुना तो अपन ने बात खत्म कर दी। तो इन्होंने कोई लालच दिया क्या वापस? नहीं 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 नहीं। वो कैसे तो, क्यों आया यहाँ? तो हमारे आस्था जागी डेढ़ साल से आ रहे, एक साल से, और यहाँ की जो बातें सुनी वो सब धर्म को बात को इस माध्यम से आ रहे। क्या नाम है आपका? भगवान दास। ईसाई बनने पर नाम बदला था? नहीं। और वैसे किस, कौन से उससे आते हो आप? सैन। क्या नाम है आपका? नंद किशोर। कहाँ से हो आप? सागर के। सागर जिले से? हाँ, खास भदौना के। अच्छा। सागर के यहाँ भदौना गांव है, वहाँ से। आप ईसाई क्यों बने थे? उनके यहाँ चर्च का काम करते थे तो उन्होंने कहा कि हमसे जुड़ जाओ। क्या काम करते थे? यही मजदूरी। अच्छा, तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि आप हमसे जुड़ जाओ, आपके लिए फायदा होगा। मैंने कहा कि भैया हम तो हिंदू ईसाई हैं। बोले नहीं जुड़ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है भैया जुड़ जाएंगे। तो उनसे जुड़ गए। बोले हम मकान अकान बनवा देंगे आपका चर्च के बगल में। ना मकान बनवाया ना कुछ। तो हमने कहा भैया हमारा धर्म ईसाई है जी। और ईसाई कब बने थे आप? 3 साल पहले। क्या करना पड़ा उसके लिए? क्या करना पड़ा? कुछ नहीं, वही मजदूरी करते थे। उन्होंने कैसे धर्म में लिया आपको? कुछ नहीं, ये तो नहीं मालूम। वो तो ये बोलते थे कि अब तुम हमसे जुड़ गए हो। कहीं डुबकी उबकी भी लगवाई थी? नहीं नहीं नहीं, डुबकी उबकी कहीं नहीं लगवाई। चर्च जाते थे? हाँ, चर्च जब कभी जाते थे, काम करते थे तो हम तो वहीं जाते थे। और कहा प्रार्थना के लिए नहीं गए कभी? नहीं कभी नहीं। हाँ तो क्यों, मकान मिला नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा हाँ, तो यहाँ क्यों आए हो? यहाँ हम अपना धर्म जाएंगे तो वापस करने के लिए। जी हम हिंदू ही रहना चाहते, हिंदू है, हिंदू ही रहेंगे हम। ईसाई धर्म आप छोड़ दोगे? हाँ, हम अपना वापसी चाहते हैं हम। ये महाराज जी ने कुछ प्रलोभन दिया यहाँ, कुछ इन लोगों ने दिया? नहीं नहीं, नहीं, ये तो हमारी श्रद्धा से हम बाबा जी की शरण में आए हैं, बाबा जी ने अपनाया है हमारे लिए, बस इसलिए हम अपना धर्म जहीं कहते हैं हिंदू ही रहना चाहते हैं।